साथियों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मेहता, रामगढ़ झारखंड से। सभी साथियों से निवेदन ये करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो तय की है बैठक 9 तारीख को, उसका टाइम हमने रखा 9 बजे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, धूप काफ़ी होती है। दूसरी बात कि उस बैठक में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मान के चलिए आपने जो लगाया है डीसी एसपी एसडीएम के पास, जो कंप्लेन लगाया है उस कंप्लेन का पूरा कॉपी अगर आपने हाथ से देने गया है तो उसकी पूरी कॉपी लेते आएंगे। अगर आपने रजिस्ट्री की है तो वो रजिस्ट्री का जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जो मिला है रिसीट, वो रिसीट लेते आए। साथ ही साथ निवेदन ये भी करना चाहते हैं कि 26 पेज में कंप्लेन लगाने हेतु जो लीगल टीम के सदस्य, जिन जिन नेगेटिव सीनियर को लीगल नोटिस आपने की है, उस लीगल नोटिस की पूरी कॉपी और रजिस्ट्री का रिसीविंग वो लेते आए। साथ ही साथ अगर जिन साथियों ने चालूपुरा थाना पुलिस या जयपुर पुलिस की जो कंप्लेंट एसपी वाली जिन जिन साथियों ने लगाए हैं, उनका रजिस्ट्री वाला रिसीविंग और साथ में ओरिजिनल जो रिसीविंग कॉपी है वो सब लेते आएंगे। साथ ही साथ हम असलम जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उनके पास जवाब में तिहाड़ जेल भटिंडा जेल या निर्मल सिंह भंगू के घर से जो रजिस्ट्री वापस आई है वो भी लेते आएंगे, ताकि हमको 26 पेज में कंप्लेंट लगाने में सुविधा होगी। और एक अहम बात ये है कि मैनेजमेंट के जितने चोर हैं उनकी सच्चाई तो आपको लगभग लगभग मालूम चल ही गया होगा कि उन्होंने जो हम मेल कर रहे हैं उस मेल को रुकवाने के लिए या उस चैनल को रुकवाने के लिए बंगलोर गूगल के दफ्तर पर उन्होंने पैकेज देने गया था, लेकिन गूगल वालों ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन बातों पर ज़्यादा नहीं चर्चा करते हुए हम एक और अहम बात करना चाहेंगे कि जब 21/8/2014 को जब सेबी ने बैंड किया तो उस दिन तक तो पीएसएल के सारे अकाउंट फ्रीज थे, तो उस दिन का कलेक्शन जो है 5000 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे को खोज के लिए हम लोग ये बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए जितने भी आंदोलनकारी हैं, संगठन हैं, किसी ने नहीं ये मुद्दा नहीं उठाया कि भाई 21 और 22 को जो हमने पैसा डाला उस डेट में, उतने सारे पैसे आखिर भंगू किस कहाँ डाल दिया? खाते तो बंद थे, कहाँ डाला? तो उसकी चर्चा विशेष करके है और उसकी डाटा भी बना लेंगे। 21 तारीख में कस्टमर का कितना कटा है, 22 तारीख में कितना कटा है और किस एजेंट के कोड में कटा है और किस सीएससी, यानी कि मुख्यतः रूप से हम रांची, रामगढ़, धनबाद, इन तीनों ब्रांचों में ज़्यादातर 21-22 का रसीद कटा है, तो उसका डिटेल्स पूरा बना लेंगे। उसका डिटेल्स कैसे बनाना है मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, और बाकी उसका डिटेल्स बना के उसकी रिसीट संभाल के रखना है, क्योंकि उसी रिसीट से आप मैनेजमेंट को झुका सकते हैं ब्रांचें खुलवाने के लिए। डाटा तो फिल आपने कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको अभी पता तक नहीं है कि पीएसएल में क्या हो रहा है, जिनको पता तक नहीं है कि ऑनलाइन का प्रक्रिया चालू है, तो वैसे साथियों को पैसा मिल जाए और एक हम लोग के हाथ से नेक काम हो जाए, इस बात को भी लेकर हम लोगों ने इस 21 और 22 वाला चर्चा उठाया है, ताकि हर गरीब का जिसका 500 रुपया भी जमा है, 100 रुपया भी जमा है, उसे भी मिल जाए, जिसकी रसीदें गुम हैं, जिन्होंने डाटा फिल नहीं अच्छा से कर पाया है,
जिन्हें 60 रसीदें थी और 2 रसीदों को उसने अपलोड कर दिया है, वैसे लोगों को भी पैसा मिल जाए, इस मुद्दे से उस उद्देश्य से हम लोग बैठक बुलाया। इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना योगदान दें। और ख़ास करके फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 21 और 22 वाला 2014 का जो कलेक्शन है वो पूरा डाटा बना लें और उसका अमाउंट जोड़ करके इकट्ठा लेते हैं ताकि सीबीआई वाली कंप्लेन में हम डालेंगे। साथ ही साथ रांची, धनबाद, बोकारो, जहाँ के भी साथी हैं, जिन सीएससीओ में आपने काम किया है उस सीएससी इंचार्ज का नाम, मोबाइल नंबर तलाश करें और उसका व्यवस्था करके उन लोगों का भी हम लोगों को कंप्लेन डालना है, क्योंकि उन लोगों ने पैसा जो कलेक्शन किया, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खपत कर दिया ब्रांच के खर्च में या निवेशक का कुछ सॉल्यूशन में। जितना कलेक्शन हुआ उसका मतलब 30% भी खर्च नहीं किया तो बाकी का पैसा गया कहाँ? वो बाकी का पैसा तो हमें मिलना चाहिए पेमेंट के रूप में, लेकिन नहीं मिला। तो इसी की खोज में हम लोग विशेष बैठक बुलाए हैं। और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन साथियों ने कंप्लेंट जिस टाइप की जहाँ भी लगाई हैं, उन कंप्लेंट का ओरिजिनल कॉपी रिसीव वाली, और अगर रजिस्ट्री किए हैं तो रजिस्ट्री वाली, जो पोस्ट ऑफिस से मिला है रिसीविंग, वो साथ लेते आएंगे ताकि हमको 26 पेज वाली सीबीआई का जो कंप्लेंट लगाना है उसमें सुविधा हो और हम जल्द से जल्द कार्रवाई की तरफ बढ़ें और हम अपने जो मंजिल है, जो हमारा मकसद है, उस मकसद में हम लोग कामयाब हों। इतना बोल के मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय द जीरो परिवार, रामगढ़। धन्यवाद।